सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। फिलहाल आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट की, जो कि बहुत लोगों का मैसेज आता है मेरे को कि अगर सर मैं क्रिप्टो की जर्नी अभी स्टार्ट कर रहा हूं और मेरे पास है $1,000 या $10,000, मैं अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से बनाऊं। मैंने फिलहाल एक पूरा पोर्टफोलियो बनाया है जिसके अंदर की मैंने $10,000 को डिवाइड किया है सारे के सारे एस्पेक्ट्स के अंदर, नए ट्रेंड्स के अंदर क्रिप्टो मार्केट के, जैसे कि AI, गेमिंग, डीपेन, RWA, नई नई डिफरेंट चेन्स, ब्लॉक चेन्स, लेयर टूज, मैंने सबके अंदर अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड किया। साथ ही साथ मीम टोकन सबके अंदर डिवीजन जो है मैं आपको बताऊंगा, और मैंने इस कन्वर्जन को मैं इसे एक्सपेक्ट क्या करता हूँ वो भी मैंने पूरा का पूरा लिखा है। यानी कि $10,000 को मैंने जब कन्वर्जन किया और मैं सीजन को एंड करूंगा तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पोर्टफोलियो कन्वर्ट हो सकता है $1,10,000 तक का, यानी कि प्रॉबेबली 10x to 11x अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन गई जैसे कि मैंने हमारे कॉइन्स के ऊपर लिखी है, कौन सा कॉइन मैं ले रहा हूँ, कौन सा पोर्टफोलियो के अंदर कॉइन होना चाहिए, इसके हिसाब से मैं फिलहाल एंट्री फिलहाल कर रहा हूँ। तो अगर आपका क्वेश्चन है सबसे बड़ा कि आपको क्रिप्टो के अंदर पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में कौन से कॉइन होने चाहिए, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें से काफ़ी सारे कॉइन्स होंगे जो कि शायद मैंने छोड़ दिए होंगे, तो आप अपने पोर्टफोलियो को अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हो। इस पोर्टफोलियो को देखने के बाद उसको थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हो, जहां पे मैंने कोई कॉइन 5% का लिया है आप उसको 3% का ले सकते हो या 2.5% का ले सकते हो, और आपको जो अपना कॉइन ऐड ऑन करना है उसको आप 2.5% का और ले सकते हो। इस तरीके से आप मल्टीपल कॉइन्स के अंदर एंट्री भी ले सकते हो और साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज मैंने सभी कॉइन जो कि मेरे को लगता है कि 10x भी रिजल्ट दे सकते हैं, 20x भी रिजल्ट दे सकते हैं और 50x भी दे सकते हैं, मैंने सभी के सभी कॉइन हमारी वीडियो के अंदर डाले हैं, वो भी इस रिस्पेक्ट के अंदर की मार्केट में अभी कैसी मार्केट चल रही है उस हिसाब से मैंने पोर्टफोलियो को बनाया है। आई रियली होप ये पोर्टफोलियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगा इस सीजन के अंदर। तो अगर आप लोग नए क्रिप्टो में स्टार्ट कर रहे हो या अगर आपका पोर्टफोलियो बन चुका है, इस पोर्टफोलियो से अपने को मैच जरूर कर लेना, बिकॉज ये इनमें से काफ़ी सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में फॉर श्योर होने ही चाहिए। और ये पोर्टफोलियो को मैंने काफ़ी हद तक रिस्क फ्री बनाया है, जिसके अंदर रिस्क के चांसेस बहुत कम है और प्रॉफिट अर्निंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर, जब तक हमारा ये बुल सीजन पूरा का पूरा चलेगा और एंड होगा। तो चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं इन सारे कॉइन्स के अंदर ब्रीफ के अंदर। जल्दी से वीडियो को लाइक करना है आपका फिलहाल काम, वीडियो को लाइक करे बिना आगे बिल्कुल मत बढ़ना, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और साथ ही साथ नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर चाहिए आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ ही साथ हमारा बायबिट का फ्री VIP ग्रुप ज्वाइन कर लो जहां पे बहुत सारी अल्फा कॉल्स में देता रहता हूं। अभी मंत्रा डाओ जो कि ओम था उसने लगभग 500% का गेन हासिल किया है। अगर हम देखें लेवरेज ट्रेड के ऊपर, अगर आपने 5x 10x की लेवरेज ली होती, और अगर हम बात करें स्पॉट के ऊपर, हम नियर अबाउट 200% मंत्रा डाओ ओम पे भी पहुंच गई है 3 मंथ्स के अंदर। तो अवर क्वाइंस आर डूइंग रियली वेल, जबकि मार्केट जो है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, स्टिल वी आर ट्राइंग टू फाइंड दोज थिंग्स विच आर रियली गुड इन द मार्केट। तो चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, इन कॉइन्स को फिलहाल जान लेते हैं। वीडियो को लाइक करें बिना आगे बिल्कुल मत बढ़िएगा। सो गाइस, फिलहाल सीधा चलते हैं पोर्टफोलियो के ऊपर। अगर पोर्टफोलियो को मैं आपसे बात करूं तो पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके का बनाया है मैंने। लेट मी मिनिमाइज, थोड़ा सा स्क्रीन को कर देते हैं छोटा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो ये पोर्टफोलियो आपके सामने है फिलहाल, जिसको मैंने आप लोगों के लिए बेसिकली डिवाइड किया है, जहाँ पर $10,000 को डिवाइड किया है। मैंने इस पोर्टफोलियो के अंदर बिटकॉइन नहीं लिया है, तो शॉक मत होना, क्योंकि बिटकॉइन ऑलरेडी चल रहा है लगभग 70,000 का। मेरा टारगेट है $1,50,000 का, जो कि है 2x। तो मैं 2x के लिए फिलहाल अपने पोर्टफोलियो के 10-20-30% फिलहाल नहीं लगाना चाहूँगा। मैंने बिटकॉइन के अंदर एंट्री ली थी, अगर इस सीज़न की बात करें तो मैं बार बार को बोलता रहा था कि बिटकॉइन का जो बॉटम है वो $18,000 नहीं है, और उसके बाद BTC गया था $15,600 तक, जहाँ पर हमने काफ़ी तक उसको बॉटम डिक्लेयर भी किया था, तो हमारे को वहाँ पे BTC काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिल गया। अब हम बात कर रहे हैं नए लोगों की जिन्होंने अभी तक एंट्री नहीं ली, या अगर आप अपने पोर्टफोलियो को फिलहाल ट्वीक करना चाहते हो, तो 20% मैं फिलहाल अपने पोर्टफोलियो में एंट्री लेना चाहूँगा, यानी कि $2,000 की इथेरियम के अंदर। 5% एंट्री लेना चाहूँगा मैं बहुत सारे कॉइन्स के अंदर जो कि मेजर कॉइन्स हैं क्रिप्टो करेंसीज के फिलहाल, जिनमें से मैं कहूँगा काफ़ी सारी मैंने चेयर्स लेयर टूज के ऊपर पैसा लगाया। नियर प्रोटोकॉल के ऊपर $500 जो कि 5% होता है, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, एप्टोस, FTM, FX, ये सारे के सारे मैंने चेन्स एंड लेयर टूज के ऊपर पैसा लगाया जो कि है लगभग 6, इन सब पे मैंने लगाया 5% यानी कि $500 ईच। और मैंने एक्सपेक्ट किया है कि अगर मैं नियर के ऊपर $500 लगाता हूँ, और मैं ज़्यादा नहीं नियर से एक्सपेक्ट करता बिकॉज नियर के ऊपर ऑलरेडी हम $1 पर एंट्री ले चुके हैं, नियर ऑलरेडी $6 पर चल रहा है अप्रॉक्स, यानी कि 6 गुना ऑलरेडी हो चुका है। मैं इससे ज़्यादा उम्मीद ना करते हुए इसको $30 देखता हूँ, तो $30 अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को रिटर्न मिल जाता है $2,000 का मेरे $500 के ऊपर, यानी कि 500 लगाया था 2,500 बन जाएगा, 500 मेरा खुद का लगाया हुआ था, $2,000 का हो जाएगा प्रॉफिट।
इसी तरीके से इथेरियम को मैं देखता हूँ कि वो यहाँ से जा सकता है $10,000, तो $10,000 के ऊपर मेरे को प्रॉफिट होगा $4,000 का, क्योंकि मैंने लगाया $2,000। वैसे ही अगर मैं आर्बिट्रम की बात करूँ तो आर्बिट्रम जो है, एक मिनट जाती है, आर्बिट्रम जो है, आर्बिट्रम पे भी मैंने $500 लगाया, $1 है, और मैं इस पर उम्मीद कर रहा हूँ 10x की सीज़न के अंदर। तो अगर 10x कर जाता है $500 पे मिलेगी $5,000, मेरे को रिटर्न आएगा $4,500 का। ऐसे ही ऑप्टिमिज्म 10x की उम्मीद कर रहा हूँ, एप्टॉस 10x की उम्मीद कर रहा हूँ, FTM 10x की उम्मीद कर रहा हूँ, FX 10x की उम्मीद कर रहा हूँ। यहीं पर मैंने जुपिटर के ऊपर लगाया है 10%, और यहाँ पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ 20x की, तो मैंने जुपिटर पे पैसा लगाया। आपकी मर्जी, अगर आपको कम लगाना तो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं जुपिटर से उम्मीदें थोड़ी सी ज़्यादा कर रहा हूँ, बिकॉज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का अगर मैं बात करूँ, कंपटीशन करूँ इसका यूनिस्वैप से, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे ग्रो कर रहा है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो यू विल गेट फैन ऑफ दिस एज वेल, बिकॉज इसमें बहुत ही अच्छे फीचर्स है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के, तो दैट इज़ वाई मैं इसके टोकन को मानता हूँ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो वहाँ पर अगर मैं 20x मानूँ तो $19,000 मिल जाते हैं यहाँ पर मेरे को। MNT जो कि Bybit के टोकन है, एक्सचेंज का टोकन है, अगर मैं बात करूँ तो वो है $500, मैंने उस पर भी लगाया, जहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ अगेन 20x की, क्योंकि एक्सचेंज का टोकन जब मल्टीप्लाई करता है तो वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है। इस साल होगा, नहीं तो अगले साल होगा, नहीं तो दो साल बाद होगा, लेकिन MNT में 20x की उम्मीद है तो मैं कर रहा हूँ। नो फाइनेंशियल एडवाइस, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, नन ऑफ द टोकन हैव पेड अस टू इंक्लूड इन द वीडियो एज वेल, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। RNDR यानी कि रेंडर जिसको मैं इंक्लूड करता हूँ, हमारा इनकी कैटेगरी जहाँ तक मेरे को याद थी, मैं इतने सारे कॉइन्स हो जाते हैं भूल जाते हैं, रेंडर जो कि यहाँ डीपिन और RWA की कैटेगरी के अंदर है, जिसमें मैं 10x उम्मीद कर रहा हूँ $4,500। ओशियन को मैंने इंक्लूड किया है, ओशियन FET और HX तीनों को इंक्लूड कर सकता था, लेकिन तीनों को इंक्लूड नहीं करा, बिकॉज तीनों एक ही पर्पज सॉल्व कर रहे हो, तीनों का अब एक ही कॉइन बनेगा। ऑलरेडी हम 10x कर चुके हैं, तो मैं फिर भी अभी भी इसमें इतना बुलिश हूँ कि यहाँ से 10x ओवर कर सकता है, यानी कि हमारे लिए 100x की जर्नी होगी, जिन्होंने हमारे से पहले ज्वाइन किया था ओशियन के अंदर। तो यहाँ पे भी मेरे को $4,500 मिल सकती है। IMS यानी कि अब हम बात कर रहे हैं गेमिंग टोकन की, तो इम्यूटेबल एक्स के अंदर मैंने इंक्लूड किया, जिससे मैं 10x उम्मीद कर रहा हूँ। माइरिया जिसके अंदर मैं 3% लगाऊंगा $300, और उसके मैं 20x की उम्मीद कर रहा हूँ, यानी कि $5,700। बाय इकोनॉमी जिसमें मैं फिर से 3% लगाऊंगा, जहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ 20x, यानी कि $5,700। फिर मैं लगाऊंगा ब्रेड के अंदर, क्योंकि ब्रेड जो है, अगर मैं मीम टोकन की बात करूँ, तो अभी तक अगर मैं पेपे को देखूँ या मैं शिबा को देखूँ, तो उनके तक भी पहुंचने तक ये 10x कर सकता है, तो 10x की उम्मीद लगा के मैं ब्रेड के ऊपर फिलहाल और पैसा लगाना चाहूँगा। हमारे लिए अगर वो 10x वहाँ पे, अगर आप लोगों के लिए अब हो जाता है, तो हमारे लिए नियरली 50x हो जाएगा, बिकॉज हमने उसमें बहुत अर्ली एंट्री ली है। और आई चेन के ऊपर मैं लगाना चाहूँगा 2%, यानी कि 2x यानी कि $200, जिससे मैं उम्मीद कर रहा हूँ 20x की, यानी कि $3,800। $200 मैं लगा रहा हूँ 2% इंडेक्स टोकन के अंदर, जो कि एक और RWA के अंदर कैटेगरी के अंदर टोकन आएगा, और इसे भी उम्मीद कर रहा हूँ मैं 20x की, और $3,800 इसमें भी रिटर्न की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ओमिकामी को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ 2%, यानी कि मीम टोकन के अंदर मैं इस टोकन से उम्मीद कर रहा हूँ कि ये शिबा जितना जाएगा नहीं जाएगा मेरे को नहीं पता, लेकिन ये यहाँ से अगर अच्छा परफॉर्म कर गया तो 25x होना इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए ऑलरेडी 3x के करीब चल रहा है, अभी भी एंट्री के ऊपर मैं 25x इससे उम्मीद कर रहा हूँ, नो फाइनेंशियल एडवाइस, क्योंकि जीरो हो सकता है पैसा मीम टोकन में लगाया हुआ, लेकिन स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें कुछ हो सकता है, तो 2% इसके ऊपर लगा रहा हूँ, जो कि $200 है। सेल्फ फ्रेम जिसके ऊपर मैं अगेन $200 लगाऊंगा, और $2,800 यानी कि 15x उम्मीद फिलहाल मैं उसमें कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल मैंने उम्मीद करी है, अगर एक बुल सीजन चलता है तो बुल सीजन के अंदर अगर कॉइंस जिस वीडियो बढ़ते हैं उस हिसाब से काफ़ी हद तक हमने प्रैक्टिकल उम्मीद करी है, उसके हिसाब से 3% बच जाता है। इन 3% को मैं लगाऊंगा मीम टोकन्स के अंदर, और मीम टोकन के अंदर डिफरेंट मीम टोकन जो कि मार्केट में हाइप मचा रहे होंगे उनके ऊपर लूंगा $100 ईच 3 टोकन्स, जिन पे मैं उम्मीद करूंगा 30x अगर मेरा बन जाएगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो जीरो। तो अगर ये मैं टोटल कैलकुलेट करता हूँ तो ये बनता है लगभग $110,000 टू बी मेड बाय 2025, $10,000 लगा के, यानी कि 11x। बिल्कुल प्रैक्टिकल फिगर में बढ़िया पोर्टफोलियो अगर हम बनाए तो वो इस तरीके से डिज़ाइन हो सकता है। अगर आपका पोर्टफोलियो अब $100,000 का है, या $1,000,000 का है, या आपका पोर्टफोलियो $10,000 का है, या $1,000 का है, आप उसको इस तरीके से पूरा डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो मैंने बहुत सारे और कॉइन्स भी बताए थे जो कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में आपको बताए थे, दिखाए थे, वो कॉइन मेरे पास आज भी है, लेकिन अगर मेरे को फंड थोड़ा छोटा है, लिमिटेड है, तो उसके अंदर मैं कहूँगा इस तरीके से एक बढ़िया डिवीज़न बन सकती है और एक अच्छा प्रॉफिट हमारे को मिल सकता है। आई रियली होप ये सारे कॉइन्स आप लोगों को पूरी तरीके से एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करेंगे, और आप लोगों का एक अच्छा पोर्टफोलियो इस बुल सीजन के लिए ऑलरेडी रेडी हो जाएगा।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज आप लोग करते हो लाइक, तो आई गेट मोटिवेटेड टू मेक ऑल दीज वीडियोज जहाँ पे आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाओ इस बुल सीजन के अंदर। तो वीडियो को लाइक करें बिना आगे मत बढ़ना, और अगला टॉपिक जिसके ऊपर आप चाहते हो वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं उसके ऊपर वर्क कर पाऊँ और आप लोगों के लिए उसके अंदर हेल्प भी कर पाऊँ। साथ ही साथ काफ़ी सारे मीम टोकन में और सर्च कर रहा हूँ, एक और मीम टोकन मेरे को मिला है जिसको मैं उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर आप चाहते हो उसका नाम तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि ये सर मीम टोकन को शेयर करो हमारे साथ, तो मैं आपके लिए उस टोकन को भी शेयर करूँगा बहुत जल्दी हमारे इंस्टाग्राम पे और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।